तो है ऐसे भैया हमें लेके जा रहे हैं। वैसे आप देख सकते हैं ये देखो यहाँ पे कृष्ण सुदामा बलराम सब यहाँ पे विद्या लिए हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती स्वागत है गाइस। तो हमें एक भैया मिले हैं शहर के बाहर जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सारे मंदिर अपने को घुमाने वाले हैं। लगभग 5 से 6 मंदिर हैं। तो चलो हम टेम्पो के थ्रू चलेंगे। कितना कॉस्ट लगा है और कौन से भैया हैं उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी जब भी यहाँ आते हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल हम चल रहे हैं, अभी हम बड़ा गणेश से निकल रहे हैं और उसके आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं उसका भी मैंने आप लोगों को हर बार से दर्शन कराया है। तो ठीक है निकलते हैं। देख रहे इस तरह से काफ़ी सारे दुकानें हैं जहाँ पे आप प्रसाद के सारे सामग्री खरीद सकते हैं। और ये देखिए यहाँ भी भीड़ तो बहुत है भाई वाले रूट पे, एक अलग ही माहौल है इस साइड। फोटो भी मिल जा रहे हैं, ये भी है। और इस तरह से कपड़े भी मिल जा रहे हैं यहाँ पे, बस चले पड़े हैं अपन। ऑटो इस साइड में खड़ा है और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल भोजन के लिए। ये वाला ऑटो है इससे भैया हमें लेके जा रहे हैं। नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं, ये होटल का नाम है देख लो। यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं जो आप टेम्पो से घूमोगे तो टेम्पो वाले भाई साहब यहीं पे ला के छोड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं लेकिन ये ज़्यादा फेमस है। तो ये अपन खा रहे हैं, ताना जी भी खा रही है देखो चाव से। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता के लिए रुके हुए थे, पोहा खाए समोसा खाए बहुत अच्छा था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टेम्पल देखने के लिए। ये जगह पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे देखो। भैया जी हैं, भैया आपका नाम क्या है? राजू परमार। तो भैया जी अभी हम यहाँ कहाँ लेके आए? संदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थल भगवान श्री कृष्ण। तो बस ये दिखाने के लिए अपन आए हुए हैं और भैया हमें आज पूरा भ्रमण करा रहे हैं उज्जैन। देन गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह से ऑटो वाले आते हैं लेकर 2-3 घंटे में आप लोगों को पूरा फेमस फेमस जगह हैं वो सारे जगह आप लोगों को घुमा देंगे। उनमें से आप देख सकते हैं ये देखो यहाँ पे गेट दिया हुआ है, नाम लिख लो। तो यहीं पर श्री कृष्ण भगवान जी पढ़ाई लिखाई किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इतना सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और एकदम अलग ही सुकून है। ये है मंदिर, ये देख सकते हैं, ये देखो श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल करके लिखा हुआ है यहाँ पे। मंदिर देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे श्री कृष्ण सुदामा बलराम सब यहाँ पे विद्या लिए हुए हैं। ये जगह इतना पवित्र स्थल है, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल। तो चलो आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो चलो पता नहीं वीडियोग्राफी अलाउ है या नहीं है, वैसे सब फोटोग्राफी तो कर रहे हैं गाइस। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ बाहर से ले सकते हैं अंदर से ले नहीं सकते हैं फोटोग्राफी। ये है यहाँ पे बहुत प्राचीन प्राचीन मूर्ति है जैसे कि श्री वामन देव श्री नारायण ऐसा करके वहाँ पे 2 ईटों दिख पा रहे हैं। और इस साइड में श्री बालाजी, ये देखिए ये है पूरा मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और दूसरे छोर में है यहाँ पर भी मंदिर है, इसे भी हम खड़े होकर यहीं से दिखला पाएंगे आप सभी को, अंदर तो दिखला नहीं पाएंगे जाकर। ये श्री कृष्ण जी का पाठशाला स्थल है ये अंदर, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पाठशाला स्थल है श्री कृष्ण जी का। और अंदर में हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, हम बाहर से आप लोगों को दिखला पाएंगे, घर बैठे दर्शन करिए गाइस। तो हम दर्शन करके बाहर निकल गए हैं और जैसे तैसे भी आप लोगों को हम दर्शन कराए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो, यहाँ भी लोग सिक्के डाल के रखे हुए हैं।
सोचो उस समय में श्री कृष्ण जी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते थे, उनका पाठशाला है ये, और श्री कृष्ण द्वारा लिखी गई दोहाए। चलो यहाँ भी देखते हैं, इतना सुंदर सा दिखता है मंदिर, बहुत प्यारा दिखता है मंदिर। पंडित जी से हमने पूछा तो यहाँ पे बतला रहे थे कि चंदन के पेड़ काफ़ी सारे हैं। तो ये आंवला का पेड़ है भाई, मैं चंदन होगा, हाँ आंवला है ये, देखो आंवला लगा हुआ है, मैं चंदन का होगा सोच रहा था, मैं भी बोलूँ चंदन कैसे कैसे, चंदन का तो एकदम खड़ी लकड़ी जैसा होता है। इस अभी हम यहाँ जा रहे हैं, देखो चलते हैं अंदर में, फोटोग्राफी अलाउ है कि नहीं देखते हैं भाई यहाँ पे। ये देखो गाइस कितना सुंदर सा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा, क्या सजा हुआ है भाई अंदर में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से शिष्य और गुरु यहाँ पे दर्शाए हुए हैं फोटो में। गाइस आप लोग देखते जाइए, मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखलाते जा रहा हूँ हर एक चीज। देखो आप ये फोटो को देखोगे तो उस काल में चले जाओगे। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है, पंखा लगा हुआ है वहाँ पे। ये भी ऊपर को भी देखते जाइए आप लोग, किनारे किनारे के तो मैंने दिखला दिया। ये देखो पेंटिंग, देखो भाई तरह से यहाँ स्नेक बने हुए हैं। और क्या है, अभी यहाँ से हम निकलते हैं और देखते हैं। ये देखो ये वृक्ष को देखिए, कितना बड़ा सा वृक्ष है, ये बहुत पुराना वृक्ष है। और यहाँ भी एक मंदिर है, दिखलाते हैं आप सभी को। बाकी बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, और ये देख सकते हैं नाम पढ़ लीजिएगा, और ये है प्यारा सा मंदिर, दर्शन करिए आप भी घर बैठे। गाइस तो यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 6000 साल पुराना शिवलिंग है, पंडित जी यही बतला रहे हैं। देखो हल्का हल्का आप लोगों को मैं दिखला पा रहा हूँ, देखते जाइए काला सा है शिवलिंग। अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं, और यहाँ पर है 64 कलाओं की दिशाएं जो यहाँ से जाने का है। और ये जो कुंड है गोमती कुंड है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड। ये देखो गोमती कुंड भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारा, ये दोहा विद्याओं एवं 64 कलाओं की दिशाएं। चलते हैं इस साइड देखते हैं। देखो यहाँ पे सब अपने तरीके से पूजा आराधना कर रहे हैं। तो ये है गीत, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गीत फर्स्ट, सेकंड है वाद, ये देखो ये है वाद, शायद दिख नहीं रहा हो आप लोगों को अच्छे से, यह है वाद, और ये है नित्य, इस तरह से नित्य। ये देखो होता है क्या, और ये है आलेख, दिखाता हूँ आप लोगों को प्रॉपर। ये देखो अभिषेक तिलक लगा, इसको भी देख लो भाई। गाइस तो इस तरह से बहुत सारे हैं, एक एक करके दिखला पाना मुश्किल है, पूरा लाइन से लगा हुआ। देखो एक लाइन ये खत्म नहीं हुआ है, दूसरा लाइन ये देखो चालू हो गया है। इस तरह से बहुत सारे फोटो हैं जो आप आकर यहाँ देख पाएंगे। अगर मैं दिखला रहा हूँ ना तो कांच लगा हुआ है तो प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है।
ठीक अब यहाँ से निकल, अभी मैं निकल ही रहा था और यहाँ पे देख सकते हैं ये मैं आप लोगों को नहीं दिखलाया था, यहाँ पे लिखा है श्री महाप्रभु जी भी बैठक दर्शक 84 बैठक दर्शक कृष्ण बलराम और सुदामा दर्शन। चलो ये भी देख लेते हैं क्योंकि दोबारा तो आने मिलेगा नहीं अपने को। देखते हैं मंदिर है क्या है, यहाँ पे मंदिर है ये देखो। तो यहाँ अंदर में किसी तरह से फोटो है देख सकते हैं, इस तरह से बड़ा सा हॉल है, यहीं पे बैठक हुआ करता था श्री कृष्ण सुदामा जी का, ये देख सकते हैं पूरा दिखला रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग, अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और तानी जी को भी सपोर्ट करिएगा भाई, हम दोनों भ्रमण कर रहे हैं उज्जैन और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, मतलब बहुत यहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं लेकिन अगर आ गए तो ये मन नहीं करेगा जाने का, मन नहीं करेगा जाने का। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो यहाँ आ पाते हैं, ये सब जगह जान पाते हैं, तो हम लोग भी उन लोगों में से एक हैं, आप लोग भी बन सकते हैं अगर कोशिश करें, मन में श्रद्धा भक्ति इच्छा जरूरी है।